प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ। कारवां मोबाइल। कुछ गाने खुशी की तलाश पर बनते हैं, लेकिन जो गाने खुद की खोज पर बने हों वही तो कहलाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज 16 नवंबर है और आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है सुनील दत्त, अशोक कुमार और माला सिन्हा जी की फिल्म गुमराह से चलो एक बार, जिसे गाया है महेंद्र कपूर जी ने, कंपोज किया है रवि जी ने और लिरिक्स है साहिर लुधियानवी जी के। जानते हैं, चलो एक बार सॉन्ग पहले साहिर जी की कविता थी जो उन्होंने अपनी बुक तलखियां में लिखी थी अंडर द टाइटल खूबसूरत मोड़। इस गाने से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल शुरू तो करें आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। क्या आप जानते हैं, फिल्म फेयर बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1960 में और मुकेश जी ने सबसे पहले अनाड़ी फिल्म के लिए ये अवार्ड जीता, फिर रफी साहब ने चौधरी का चांद और ससुराल फिल्म के लिए। उसके बाद 1963 तक किसी को भी ये खिताब नहीं मिला। फिर 1964 में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड एक नई आवाज को मिला जो कि महेंद्र कपूर जी की थी फॉर चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ऑल्सो महेंद्र कपूर जी के करियर का ये पहला अवार्ड था। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये गाना जब रिलीज हुआ था तब सबको लगा था कि साहिर जी ने ये गाना अपनी ही लव स्टोरी से इंस्पायर होकर लिखा है, क्योंकि उस दौरान साहिर जी और प्लेबैक सिंगर सुधा मल्होत्रा जी के अफेयर की गॉसिप फिल्म सर्कल में काफ़ी पॉपुलर थी। ऑल्सो इनिशियली सुधा जी वही गाने गाती थी जो साहिर जी उनके लिए लिखा करते थे और ये गाने पॉपुलर भी होते थे। जब दोनों के बीच दूरियां आने लगीं तभी ये गाना रिलीज हुआ था और सबको लगा कि साहिर जी ने अपना ही दर्द इस गाने की कुछ पंक्तियों में बयां किया है। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, गुमराह फिल्म से गाना चलो एक बार फिर से। मैं हूँ रुचि आपके साथ। गुमराह फिल्म का फेमस डाइनिंग टेबल सीन तो आपको याद ही होगा। जानते हैं, जब बीआर चोपड़ा जी ने अशोक कुमार जी को इस सीन के बारे में बताया कि ये सीन फिल्म में उनकी पत्नी और लवर के बीच होगा और दोनों नॉन स्टॉप बातें करते रहेंगे, तब अशोक जी ने खुद 3 दिनों तक इस सीन को इम्प्रोवाइज किया अपने ही घर पर अपनी बीवी के साथ। उनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस की और जो भी लाइन्स वो स्पॉन्टेनियसली बोल रही थी उन्हीं को एज डायलॉग्स फिल्म में यूज़ किया,
जब उनकी वाइफ ने फिल्म देखी तो कहा कि तुम क्यों हमारी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करते रहते हो, तो अशोक जी ने कहा कि ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि उन्होंने हमेशा नेचुरली ही एक्ट करने की कोशिश की है, कैमरा के सामने वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे घर पर रहते हैं, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हमारी जिंदगी है मतलब मैंने अच्छी एक्टिंग की है। वैसे आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बीआर चोपड़ा जी की फिल्म से है, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म नया दौर से अगला गाना। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। संसार मिला प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हसी चल यूं ही चल दे कहीं, तू चाहे ले चल कहीं तुझ पे है मुझको यकीन, तू चाहे ले चल कहीं तुझ पे है मुझको यकीन। ओ दिल भी तू ही, राह भी तू मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है गुमराह फिल्म का गाना चलो एक बार फिर से। मैं हूं रुचि आपके साथ। इस गाने में साहिर जी ने एक टच ऑफ मैच्योरिटी दी है, उन्होंने खुद ने गाने की सिचुएशन को समझा और अपने शब्दों के जरिए बयां किया। साहिर साहब का ये गाना नए जनरेशन में भी रेलिवेंट है। साहिर साहब सिर्फ 59 ईयर्स के थे जब ये दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया, पर उनके बोल अमर हैं। सुनने में ये भी आया है कि संजय लीला भंसाली साहिर साहब की जिंदगी पे एक बायोपिक बनाने वाले हैं जिसमें अभिषेक बच्चन उनका रोल निभाएंगे। हमें इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल चलते हैं साहिर साहब के ही एक अगले गाने की ओर। किसी पत्थर की मूरत से मुझे
मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे न आँखों की जुबां समझे, जो दिल की धड़कने समझे न आँखों की जुबां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे न जज्बों का बयां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है, ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरजू कह दे, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है आप ही की पसंद का गाना चलो एक बार फिर से। देखिए मैं और आप तो अजनबी है नहीं, इसलिए मैं आपसे फिर से मिलूंगी कल एक नए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे के साथ। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर से सुनिए आज का ये खूबसूरत गाना मेरे सारेगामा कारवा से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर
फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार।